क्वेश्चन नंबर 32, अ पार्टिकल ऑफ मास 400 ग्राम एग्जीक्यूट लीनियर एसएचएम विद एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर। इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पॉइंट इज 1.8 जूल। इफ इट वर एट द मेन पोजिशन टी इक्वल टू 0, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन मीटर एंड टी इज इन सेकेंड रिप्रेजेंटेड एज। तो देखो यहाँ पर हमें एक्स के लिए सॉल्व करना है कि एक्स की क्या इक्वेशन होगी। वैसे टी इक्वल टू 0 पर उसका डिस्प्लेसमेंट वो मेन पोजिशन पर है, इसका मतलब ये होगा कि टी इक्वल टू 0 पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो दो तरह की पॉसिबल इक्वेशन हो सकती है एक्स के लिए, जैसे या तो ए साइन ओमेगा टी या फिर एक्स इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी। अब क्योंकि टी इक्वल टू 0 पर एक्स 0 है, तो यहाँ पर तो अगर आप टी इक्वल टू 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू ए के बराबर आ जाएगी, तो हम कोस तो लेंगे नहीं। हालांकि सभी ऑप्शन में साइन है, बट इवन अगर कोई ऑप्शन कोस का होता तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये बात ठीक है कि आंसर जो भी आएगा उसमें साइन तो रहेगा रहेगा। अब एम्पलीट्यूड तो गिवन है, एम्पलीट्यूड कितना है 10 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसको अगर आपको मीटर में करना है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, जो कि आएगा 0.1 मीटर। तो 0.1 भी सब में, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर, देखो ओमेगा सभी के लिए यहाँ पर डिफरेंट गिवन है, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ओमेगा पता करना पड़ेगा, ओमेगा कितना होगा। वैसे मैं आपको बता दूँ, ओमेगा का स्क्वायर बराबर होता है के अपॉन एम के, या फिर ओमेगा इक्वल टू होता है रूट के अपॉन एम। तो अगर हम के फाइंड कर पाए, मास तो गिवन है, तो हम ओमेगा को यहाँ पर पुट करके पता कर सकते हैं कि इक्वेशन क्या बनेगी। तो के निकालते हैं। अब देखो बोला गया है कि पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पॉइंट पर 1.8 जूल है। वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट पर बोल रहा है तो एक्सट्रीम पॉइंट पर एट एक्सट्रीम पॉइंट जो डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का वो एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं एक्सट्रीम पॉइंट पर हाफ के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी हमें गिवन है 1.8 जूल। तो इस इक्वेशन का यूज़ करके हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर के की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो निकालते हैं इसको के की वैल्यू। अच्छा, के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.8 × 2, यानी कि तो 1.8 × 2 ये आ जाएगा 3.6 डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर कितना होगा, 0.1 का स्क्वायर। तो 0.1 स्क्वायर का मतलब 0.1 × 0.1 भी तो लिख सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, के इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.8 × 2 डिवाइड बाय ए का स्क्वायर। तो उसी को मैं यूज कर रहा हूँ। अब 36 डिवाइड बाय 0.1 × 0.1 ये कितना है, सो इट विल बी इक्वल टू 360। अब ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं, ओमेगा इक्वल टू रूट के की वैल्यू 360 डिवाइड बाय मास कितना है, 400। अब क्योंकि ग्राम में, तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो 1000 जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से अब निकालेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, तो आएगा 360 और 0 0 डिवाइडेड बाय 4, सो इट विल बी इक्वल टू √900, यानी कि 30। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू 0.1 sin 30 t। तो ओमेगा निकलते ही आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि हमारा आंसर ए सही होगा।